बड़का गांव ब्लॉक परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। ग्राम प्रधान, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उक्त बैठक में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित दिशा निर्देश की जानकारी दी गई। कोविड 19 का गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने ठंड को देखते हुए कुछ लोगों को कंबल दिए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि नक्सल हो या अपराधी छवि के व्यक्ति को आप हमें जानकारी दें, मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। मदिरा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप लोग बैठक कर एक दूसरे को बता रहे हैं कि कोई भी तरह का कुछ भी हो, या तो मदिरा पान हो या तो कहीं नक्सल से प्रभावित क्षेत्र हो, तो आप कैसे देखेंगे उसको? हम कोई भी ऐसे अवैध काम जो भी हो रहे हैं, जैसे अवैध शराब का बिक्री या भी नक्सल की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए पुलिस अपने ढंग से, आप लोग पब्लिक के सहयोग से इस कार्य को हम लोग पूरी तरह से काबू में रखेंगे कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं हो और सभी लोग गणतंत्र दिवस को सादगीपूर्वक मना सकें। तो अगर आप पहले से भी कुछ सूचना आपके पास होता हो तो उससे पहले आप लोग कार्रवाई चालू करते हैं? जैसी सूचना मिलती है अभी हम पुलिस कार्रवाई करते हैं। हम लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो किया जाना है उसी संदर्भ में तैयारी के लिए बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पूरे उल्लास के साथ कोविड के नियमों का पालन करते हुए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाया जाना है, इसीलिए बैठक का आयोजन किया गया। सर, ये बैठक का आयोजन आप अपने तरफ से कर रहे हैं या कोई जिला से आदेश? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग प्रखंड स्तर पर हम लोग ये बैठक हम लोग आयोजित किए हैं। तो इसमें कौन कौन सा सम्मिलित हुए आपके बैठक? इसमें हम लोग अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मीडियाकर्मी के भाई बंधु हैं, समाज सेवी हैं, इन सभी लोगों को जो प्रबुद्ध गणमान्य लोग थे उनको मैंने बुलाया था। R9 भारत के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट, झारखंड। लातेहार जिला के बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें बालूमाथ प्रखंड के सभी पंचायत के ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, सभी पंचायतों के मुखिया, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, जेई बैठक में मौजूद रहे। साथ में इस बैठक में पश्चिमी जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी एवं बालूमाथ प्रमुख परमला देवी भी उपस्थित रही। इस बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि आम बागवानी की जन सुनवाई की गई, साथ में सोशल ऑडिट एवं समेकित आकेक्षण जो हर पंचायत में हुई थी, जिसमें जो त्रुटि पाई गई उसी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें BDO मनीष कुमार ने सभी को आदेश दिया कि अपने अपने कार्य को लेकर सजगता पूर्वक कार्य करें। आज बालूमाथ प्रखंड परिसर में आम बागवानी के सामाजिक अंकेक्षण की प्रखंड स्तरीय जन सुनवाई हो रही है। इस जन सुनवाई में सभी पंचायतों के पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, मुखियागण, हमारे कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, सोशल ऑडिट यूनिट के सदस्य तथा जूरी मेंबर सभी उपस्थित हैं। हम लोग जो इसके पहले पंचायतों में जो सोशल ऑडिट हुआ, सामाजिक अंकेक्षण हुआ आम बागवानी का, जिसको भी कंकरेंट सोशल ऑडिट कहते हैं, उसमें जो त्रुटियां पाई गई और उस त्रुटियों का निराकरण करने के लिए एक समय दिया गया, उस समय अवधि में उन त्रुटियों का निराकरण किया गया या नहीं, उससे संबंधित विचार विमर्श और उसमें जो एक्शन टेकन रिपोर्ट बनता है ATR, उस ATR की समीक्षा आज होनी है। इसमें जो त्रुटियां पाई गई हैं और जो पंचायत कर्मी इसको दूर कर दिए हैं वो तो मामला यही खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसमें यहाँ ज्यूरी के मेंबर स्वतंत्र होंगे। R9 भारत के लिए मोहम्मद दरबाज की रिपोर्ट, लातेहार, झारखंड। रांची में करनी सेना के द्वारा विरोध प्रदर्शन। देश में लगातार हिंदी फिल्म में मजाक उड़ाया जा रहा है। अभी तांडव मूवी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान को लेकर करनी सेना के लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेता वर्मा का कहना है कि इस प्रकार की मूवी को बहिष्कार किया जाए, क्योंकि इस मूवी में हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ है। इस प्रकार की वेब सीरीज यदि आती है तो पूरे देश में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन है ये तांडव जो वेब सीरीज चल रहा है, जिस तरह से इसमें हिंदू देवी देवताओं के मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये प्रदर्शन उसके लिए हम सभी कर रहे हैं यहाँ पे। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। करनी सेना हमेशा हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए खड़ी है और हिंदुत्व के लिए हमें लाठी भी खाना पड़ेगा, हम खाएंगे।
जिस तरह से तांडव वेब सीरीज में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, आप देख सकते हैं हम लोगों का जो प्रदर्शन है वो किस लिए है, अमेजोन में दिखाए जा रहे वेब सीरीज के विरोध में। ये विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हिंदू जो देवता है हमारे, तांडव नृत्य हमारे भगवान आराध्य शिव ने किया था, और उसके बाद आप स्वयं देख लें। और जजमेंट मैं मीडिया के ऊपर छोड़ती हूँ कि क्या इस तरह की वेब सीरीज चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। मैं विजेता वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करनी सेना, हमारे नेशनल फिल्म बोर्ड से ये मांग करती हूँ कि इस तरह के जो वेब सीरीज आ रहे हैं उन पर रोक लगाया जाए ताकि हम लोगों को इस तरह का प्रदर्शन ना करना पड़े। हम लोग मजबूर हो जा रहे हैं, ऐसे वेब सीरीज अगर हमारी जनता देखेगी, हमारे यूथ देखेंगे तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, साथ ही हमारे धर्म को ठेस पहुँचाया जा रहा है। ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मजबूर होकर के रोड पे प्रदर्शन करने आ जा रहे हैं। R9 भारत के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट, रांची, झारखंड। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने अधिवक्ताओं सभी पहलुओं को सुनने के बाद अगली सुनवाई 2 मार्च को निर्धारित किया। माननीय हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान के मामले पर संवैधानिक वैधता की जांच करेगी। विधानसभा स्पीकर ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 10वीं अनुसूची के तहत नोटिस जारी की थी, उसे स्पीकर ने वापस लिया। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने 13 और 14 जनवरी को लगातार 2 दिन तक सुनवाई के बाद कोर्ट में 19 जनवरी यानी कि आज की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई। बाबूलाल मरांडी की ओर से झारखंड हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आरएन सहाय ने पक्ष रखा था। माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन साहब और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद साहब के डिवीजन बेंच में ये मैटर आज लिस्टेड था, कॉल हुआ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि हम और कोई कुछ बोलना चाहते हैं जो बहस हो चुकी है उस पर, अगर छूट गया हो, नहीं तो हम अपना फैसला सुनाते हैं। तो हमारा तो सब बहस हो चुका था, हमने कुछ नहीं कहा। और भी दिल्ली से वेंकट रमनी साहब ज्वाइन किए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। और लंडन एडवोकेट जनरल ने भी कुछ नहीं कहा। कपिल सिब्बल साहब भी बाद में आए, ज्वाइन किए, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। तो माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम ये इस सुओ मोटो कॉग्निजेंस के स्वतः संज्ञान के मामले पर हम विस्तृत सुनवाई करेंगे, और उन्होंने कहा कि आप लोग कोई डेट सजेस्ट कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथाशीघ्र इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो जो गए थे सुप्रीम कोर्ट, जाहिर सी बात है कि उनसे ही पूछा गया होगा, क्योंकि मुझे कोई हड़बड़ नहीं है। अगर रिजनेबल टाइम पर सुनवाई हो रही है तो उन लोगों में ने भी कहा कि ठीक है, कोर्ट ही जो फिक्स करे। तो कोर्ट ने पहले फरवरी का डेट फिक्स किया था, बाद में कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि मार्च में किया जाए, तो 2 मार्च का फाइनल हुआ कि 2 मार्च से सुनवाई शुरू होगी, तो 2 मार्च को ये मैटर रहेगा। R9 भारत के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट, रांची, झारखंड। भाजपा विधायक केदार हाजरा ने हरमू स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक ने कोरोना काल में राज्य सरकार के द्वारा किए गए कार्यों पर सवाल उठाया, साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा राज्य को दिए गए 284 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च नहीं कर पाए। प्रवासी मजदूर जो कोरोना काल में वापस आए थे, उन्हें रोजगार तक मुहैया नहीं कराया, जिससे वे मजदूर भी वापस चले गए। वही रघुवर सरकार के कार्यकाल में चलाए जा रहे कई योजनाओं को बंद कर दिया गया। वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा में जो कंबल वितरण किया जा रहा था, उसकी भी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्यों से हवाई मार्ग से रांची लाने का श्रेय जो वर्तमान सरकार ले रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार के द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया गया था। वही केंद्र सरकार ने कोरोना काल में गरीबों के खाते में निश्चित राशि केंद्र सरकार के खाते में भेजी गई, साथ ही रसोई गैस के पैसे भी उनके खाते में दिए गए, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी जो इस सरकार में सरकार ने किया, जो प्रवासी मजदूर बाहर राज्यों से झारखंड में आए, उन मजदूरों को
उनके हाल पर छोड़ दिए। उनकी कोई व्यवस्था इन्होंने खाने से रहने से लेकर के न उसके रोजगार के बारे में चिंता इन्होंने किया। नतीजा ये हुआ कि जो प्रवासी मजदूर वापस आए थे और ये कोरोना काल में ये कहा गया था कि जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनका रोजगार का व्यवस्था आप करेंगे, लेकिन हेमंत जी की सरकार उसमें रोजगार देने में भी विफल रहा और बाध होकर हमारे मजदूर पुनः झारखंड से पलायन होकर के जहां से आए थे वहीं चले गए। ये इस राज्य सरकार की विफलता पर इस कोरोना महामारी में इस राज्य की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। भारत सरकार ने जो 284 करोड़ विशेष पैकेज इन्हें जो दिया और देश के प्रधानमंत्री के ये कहना था कि इसे सेवा भाव के रूप में करना है, लेकिन इस सरकार ने सेवा भाव की बात छोड़ दीजिए, कमाओ भाव के दृष्टिकोण से उस पैसे का उपयोग किया। जहां दूसरे राज्यों में पीपी किट सस्ते दरों पर खरीदा, कोरोना COVID-19 के जांच झारखंड में सबसे महंगे दर पर इस सरकार ने किया, और जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया था, जो कोविड सेंटर बनाया गया था, उस कोविड सेंटर में कोई सुविधा नहीं, न शौचालय का सुविधा था, न अच्छे पानी पीने का सुविधा था, न अच्छे बेड का सुविधा था। और जो भारत सरकार ने इन्हें वेंटिलेटर उपलब्ध कराया था उसे सही रूप से इसने R9 भारत के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट, रांची, झारखंड।